बोलते नहीं है कि इंसान सबसे ज़्यादा ज़िंदा वहाँ महसूस करता है जब वो मौत से एक कदम दूर हो। तो दोस्तों आज कैसे समझाऊँ तुम लोगों को, आज मैं पहुँच चुका हूँ कुछ ऐसा करने के लिए जो कि एक सपना कह सकते हो आप, हमेशा से रहा है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये गूस बम्स आ रहे हैं। जब मैं छोटा था है ना, तो मैं इतना एडवेंचरस नहीं था, मैं थोड़ा सा मोटा था, इनफैक्ट बहुत मोटा था। बहुत सारी चीज़ें करने में दिक्कत होती थी एंड आई फेल्ट द नीड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल। मुझे लगा कि हाँ नहीं, मुझे बदलना है, आई वॉन्ट टू बी अ लिटल मोर एग्रेसिव विद माई लाइफ स्टाइल। उसके साथ आया फिटनेस, पहले फिटनेस के बाद आया ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के बाद आया बहुत सारी चीज़ें एंड आज आपका स्काई एक एक स्कूबा डाइवर है, एक फ्री डाइवर है, एक स्नोबोर्डर है, माउंटेनियर है, पहाड़ कर लिए, स्नो कर लिया, समुद्र कर लिया, सर्फिंग कर ली। तो लाइफ में अभी भी ना वो फीलिंग बोलते हैं ना कि नहीं यार, आई जस्ट फेल्ट कि नहीं, थोड़ा सा और पुश करने के लिए आज मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली। आपको बताते हुए बहुत यू नो आई एम सुपर नर्वस बिकॉज कल से हमारा कोर्स शुरू होने वाला है एंड मैं कर रहा हूँ स्काई डाइविंग एंड आई एम सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड। सबको बताना चाहता हूँ, मैंने कभी टैंडम नहीं किया है। टैंडम वो होता है जब आपने देखा होगा लोग एक स्काई डाइवर के ऊपर अपने आप को बांध के दो लोग कूदते हैं, तो मैंने आज तक टैंडम नहीं किया है। मैंने सिर्फ क्लिफ जंपिंग करी है, पहाड़ों से कूदा हूँ सीधे समुद्र के अंदर, तो उतना ही मुझे एक्सपीरियंस है फ्री फॉल का। पर ये जो एक्सपीरियंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज़ गोना चेंज माई लाइफ फॉर एवर। और हाँ, आई थिंक यू नो हर बच्चे की भी एक चाह होती है ना कि लाइफ में कुछ ऐसा करें कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस इन वर्ड्स। कि बोलते नहीं है कि इंसान सबसे ज़्यादा ज़िंदा वहाँ महसूस करता है जब वो मौत से एक कदम दूर हो, एंड आई थिंक वही मेरा जोन रहा है पूरी ज़िंदगी, जो आपने मेरे को देखा भी है। मैं आई पुश माई सेल्फ टू लिमिट्स, अभी मरने से बचा उत्तराखंड में एक बार। टच पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर ये हुआ। पर अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं आज टू पोर्चुगल, और पोर्चुगल में मैं हूँ एक छोटे से बहुत सुंदर शहर में जिसका नाम है इवोरा। और ये एक बहुत एंशियंट शहर है, यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इनफैक्ट यहाँ पे रोमन रूइंस तक हैं, जो मैं आपको इस ब्लॉग के आगे के पार्ट में दिखाऊंगा व्हेन वी विल गो अराउंड टू डू इवोरा। बट फॉर नाउ आ चलते हैं हम अपने स्काई डाइव स्कूल में और आपको मैं दिखाता हूँ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो मेरे स्काई डाइव स्कूल का नाम है स्काई डाइव पोर्चुगल। उनके साथ मैं करने वाला हूँ दो कोर्स, जो कि है AFF, वो है एक्सेलरेटेड फ्री फॉल। उसमें क्या होता है कि 8 जंप्स होती हैं टोटल, जिसमें से पहले 3 जंप में आपके साथ 2 इंस्ट्रक्टर कूदेंगे आपको पकड़ के, और उसके बाद अगले 4 जंप में आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर कूदेगा जो कि कोशिश करेगा कि उसको आपको पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े, और 8वें जंप तक आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाना है कि आप अपने आप कूद सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। 3 बेसिक्स हैं इसमें। पहला है फ्री फॉल, कि जब आप गिर रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी पूरी स्टेबल रखनी है। जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, बिकॉज इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़ है मूवमेंट्स करना, आगे जाना, पीछे आना, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, 360 टर्न्स करना, फ्लिप्स करना, और इन सब एक्टिविटीज़ को करने के बाद वापस स्टेबलाइज करना अपनी पोजिशन को, ये सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। थर्ड थिंग है आपकी, जब आप शूट डिप्लॉय करेंगे उसके बाद आपको सेफली ज़मीन तक आना है, तो उसको आने का क्या तरीका है। तो ये 3 चीज़ें हम AFF में सीखने वाले हैं। उसके बाद हमें रुकूंगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्री फॉल कोर्स सिर्फ आपको स्काई डाइविंग के एंट्री पॉइंट है। उसके बाद आपको चाहिए होता है A लाइसेंस। A लाइसेंस से लेने के बाद आप दुनिया में कहीं पर भी कूद सकते हैं। तो अब A लाइसेंस का मुझे आइडिया नहीं है, तो एक बार हम जाएंगे जब वहाँ पर, जब हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी आई विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। तो चले अपने स्काईडाइव स्कूल और शुरू करें ये व्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज अब से व्लॉग्स बहुत पर्सनल होने वाले हैं। भाई पहुंच चुका है यूरोप, पहले स्काई डाइविंग सीखेगा और फिर यूरोप घूमेगा। She heard me.
आज था हमारा पहला दिन और कुछ 6 से 7 घंटे हमने ग्राउंड क्लासेस ली, जिसमें हमें पहले सिखा एक किताब मिली। मैं वो किताब दिखाता हूँ, ये रही द स्टूडेंट मैनुअल स्काईडाइव पोर्टुगल। एंड इसमें इसको हमें एक इंस्ट्रक्टर, हमारा ग्राउंड इंस्ट्रक्टर था आज एडी है स्वीडन से, उसने हमें ही टुक अस टू द बुक और उसके बाद उसने हमें एक्सरसाइजेस करवाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट सीखी वो थी, पहले आता था हमारा आर्क पोजिशन की हमें आर्क कैसे बनाना है। तो वी वो लाइक गॉट ऑन दिस थिंग जिसमें ऊपर स्ट्रिंग्स थी और नीचे एक बेड टाइप था जो घूमता था लाइक अ टेबल, एंड उस पर वी ट्राई टू मेक अ पोजिशन ऑफ द आर्क। एंड हमने पूरा पहला जंप हमने इनैक्ट किया कि हम पहला जंप कैसे करने वाले हैं। तो इनफैक्ट बिफोर हम प्लेन पे चढ़े उससे पहले हमें पूरा आइडिया था कि सबसे पहले आपको दरवाजे पे घुटनों के साथ जाना था। जब दरवाज़ा खुल जाएगा एक इंस्ट्रक्टर बाहर जाएगा, आप दरवाज़ा पकड़ेंगे, फिर आप करेंगे चेक इन, वो करेगा ओके, आप करेंगे चेक आउट, अप डाउन आर्च। तो ये हमने प्रैक्टिस करी बहुत बार, एंड उसके साथ हमने किया बहुत सारे इमरजेंसी प्रोसीजर। सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कि जब ऋतिक रोशन लटका होता है तो वो छिक छिक करता है ऐसे। तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा होता है जो हमारा रिग है उसके राइट में हमारा कट ऑफ। तो कट ऑफ का क्या है, लोकेट लुक लोकेट पील पॉप। तो यहाँ पे हमारा होता है कटअवे। कटअवे क्या करता है, आप तो खींचते हो तो आपका मेन शूट को खोल देता है और वो चला जाता है। एंड फिर यहाँ पे होता है रिजर्व, जिसको आपको खींचना होता है कि आपको रिजर्व शूट हो। तो हमने उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करी, ऐसे लुक लोकेट पील पॉप, लुक लोकेट पील पॉप। तो इसको हमने लगातार किया, एंड देन बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं जिसमें आपका शूट इन तरीके से घूम सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शूट आप कैसे खुलेगा, या शूट आपको गलती से अगर 2 शूट खुल जाते हैं। तो हमें इस तरह बहुत सारे इमरजेंसी के थ्रू किया, और आज हमने हार्ड कोर थियोरेटिकल क्लास करी। और फिर शाम को भाई गया अपने पहले जंप के लिए, और डूड जब मैं अपना पूरा रिग पहना और प्लेन में चढ़ा, आई स्वेयर झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल पेट में वो ऐसे वाली फीलिंग नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। मतलब एकदम मतलब ऑसम था कि मतलब कैसे बताऊँ आपको कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और मुझे डर नहीं लग रहा हूँ, मैं कभी लाइफ में नहीं कूदा हूँ। एंड आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को करने के लिए बना हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जब वो दरवाज़ा खुला और मेरे इंस्ट्रक्टर फौस्तिनो ने मुझे बोला कम ऑन, और मैं गया वहाँ पे, बाहर सेकेंड इंस्ट्रक्टर था, अंदर फर्स्ट इंस्ट्रक्टर था राइट में, और चेक इन ओके चेक आउट। पहले 3 सेकेंड जो मैंने पहली बार गिरना महसूस किया, आई थिंक उस टाइम मेरा दिमाग कुछ आई थिंक 4-5 मिनट के लिए रीबूट, डेफिनेटली रीबूट हो गया। एंड 4 से 5 सेकेंड पे एकदम से मेरा दिमाग फिर से रीस्टार्ट हुआ, एंड देन आई न्यू आई वाज फॉलिंग। एंड देन बस कुछ नहीं था उस जंप में, हमें 3 प्रैक्टिस पुल करनी थी, 1 स्लोली 2 अल्टी चेक, ऑल्टीट्यूड ऑल्टीमीटर होता है उसको बार बार चेक करना होता है, तो ऑल्टी चेक ओके, 3 ऑल्टी चेक, एंड सर्कल ऑफ अवेयरनेस करनी होती है कि आप पहले जब गिरना शुरू करते हैं तो आप देख पहले होराइजन को देखते हैं, फिर आप अपने ऑल्टीमीटर को देख के देखते हैं, अच्छा 11,000 फीट होता है, 11,000 होता है ओके, आप होता है 11,000 होता है ओके, और फिर आप गिर रहे होते हैं। एंड उसके बाद मैंने सीधे जाके कट अवे पॉइंट होता है हमारा 6,000 फीट, तो 6,000 फीट पर नो मोर वर्क, फिर 6,000 फीट के 5,000 फीट तक, उसके बाद हाथ अंदर शूट आउट, और भाई आपका कैनोपी में, और उसके बाद खुली कैनोपी, और जो झटका पड़ा, और मेरे टांगों पे था थोड़ा सा लूज़ था तो उसने इतनी ज़ोर से मेरे टांगों को रगड़ा कि मुझे रैशेज हो गए। और अभी तक आज मैं 4 जंप्स करी हैं और चारों के चारों में गर्म हो रखी हैं टांगे, पर आई थिंक कैसे बताऊँ यार तुम लोगों को कि क्या फीलिंग थी। और मेरी पहली लैंडिंग भी बहुत बहुत स्मूथ गई, मतलब मैंने देखा आज लोगों को जो पहली बार कूद रहे थे वो ज़मीन में भिड़ गए। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस जर्नी, दिस होल स्काई डाइविंग थिंग इज़ कि अगर आपको बोला है रेडियो में, वो आपके रेडियो होता है बेसिकली, फर्स्ट 6-8 जंप में आपके जहाँ रेडियो होता है, नीचे से आपको वॉकर में बोलते हैं राइट राइट लेफ्ट, तो एक लैंडिंग पैटर्न बनाना होता है बेसिकली, आप समझेंगे जब अगर आप सीखने आ रहे हैं तो।
एंड जब आप पहुंचते हैं 4 मीटर पर आपको हाफ फ्लेयर करना होता है दोनों टॉगल्स को खींच के, और उसका फुल फ्लेयर करना होता है 1 मीटर पे कि ब्रेक लग जाए और अगेंस्ट द विंड लैंड करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, मैं सब टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा, आप सीख नहीं रहे हैं पर। और उसके बाद भाई को मिला उसका स्काई डाइविंग लॉग बुक, जैसे मेरी स्कूबा डाइविंग लॉग बुक है, एंड उस पर आपके भाई ने करे अपने डाइव लॉग्स और आप देख सकते हैं फ्री फॉल गुड वर्क एंड लैंडिंग गुड पैटर्न। तो इसी तरह आज 4 जंप्स हो चुकी हैं और कल से हम एक इंस्ट्रक्टर के साथ कूदेंगे, एंड आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई इज गोना किल दिस, इट्स गोना बी अमेजिंग। एंड आई थिंक कल शाम तक मैं अपना AFF ख़त्म कर दूंगा, और हम फुल स्पीड जा रहे हैं क्योंकि मैं अकेला आया हूँ, आई एम डूइंग दिस सोलो। और अपराजिता इस टाइम है, आप सबको लग रहा है मैं उत्तराखंड में हूँ, पर नहीं, मैं उत्तराखंड में नहीं हूँ, मैं इस टाइम पोर्चुगल में हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज मुझे फोकस करना है इस ट्रेनिंग पे, और मैं अभी अकेला हूँ पोर्चुगल में डूइंग दिस सोलो एब्सोल्युटली। एंड अपराजिता इज़ राइट नाउ इन पैरिस एम्स्टरडैम, तो वो वहाँ पर अपना कर रही है, एंड इवेंचुअली वील मीट समवेयर बिकॉज मुझे स्काई डाइविंग सीखनी थी, एंड आई वांटेड टू डू इट वेरी प्रोफेशनली एज मच एज आई कैन। बट या आज के लिए इतना ही है, और कल चलते हैं वापस जंप स्कूल, एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हमारी जंप्स, और मैं फिर 1-2 दिन में आता हूँ तुम्हारे साथ फिर से गुफ्तगू करने। तब तक तुम सिनेमैटिक्स देखो, मेरा फ्लो देखो, अगर मैं कुछ व्लॉग कर रहा हूँ इनसाइड द जंप स्कूल, जो मैं रेगुलर नहीं करता हूँ, आई डोंट रिकॉर्ड माई कैमरा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक कि नहीं यार मैं कैमरा मैं आई एम अ यूट्यूबर एंड शिट, नहीं मैं सीखने आया हूँ, पहले मैं सीखूंगा फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलो आज का day 2 का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, और जंप्स करके मैं वापस आता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कैसा चल रहा है सब। व्हाट्स अप गाइस, आप लोगों को बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आपका दोस्त आपका भाई स्काई AFF सर्टिफाई हो चुका है, और आई एम एक्सीडेड फ्री फॉल पायलट नाउ। इसका मतलब ये है कि मैं इस डाइव जोन में अकेला कूद सकता हूँ, सोलो कूद सकता हूँ। आखिरी 2 जंप्स में 7वें जंप पे मैंने फॉसिनो के साथ गया, और मैंने ऐसा जंप मारा, फॉसिनो ने मुझे बोला आकाश स्काई बोलते हैं मुझे लोग, राइट, मैं हमेशा वही बोलते, तो इज लाइक स्काई हाउ डू यू वॉन्ट टू एग्जिट द प्लेन, और मैंने बोला कैसे जा सकते हैं बिकॉज हम अभी तक बस कूद रहे थे ऐसे छाती पे हवा लगा के। उसने बोला डू व्हाटएवर यू वांट, ईदर जंप ईदर डाइव और डू अ फ्री फॉल, और जब उसने बोला डू एनीथिंग यू वांट, और मैंने को समझ नहीं आया क्या बोल रहा है, बोलता है डू अ फ्रंट फ्लिप, और मेरी हालत टाइट, मैंने बोला प्लेन से फ्रंट फ्लिप करके कैसे कूद सकता है इंदा। मगर हाँ, मेरे साथ एक और बंदा था, फिलिप था हमारे साथ, ये जर्मन गाय फिलिप, ने मुझे बोला कि द वन थिंग रिग्रेट्स इज जब उसको वो 7वां जंप का चांस मिला था उसने उसमें नहीं किया फ्रंट फ्लिप, और भाई वहाँ दरवाजे पे खड़ा हुआ फिर से चेक आउट, ओके 1, 2 और 2। और इस वीडियो में आप वो देख सकते हैं कि मैं फ्रंट रोल करता हुआ जा रहा हूँ, एंड उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ 360 टर्न्स XYZ जो वो चाहते थे वो भाई ने किया, फुल पावर किया, और आफ्टर दैट जंप हम नीचे आए, फॉसिनो ने हाथ मिलाया बोला नेक्स्ट जंप सोलो, और अगला जंप भाई गया सोलो अकेला बिना किसी के साथ, एंड नाउ आई एम सुपर डुपर कॉन्फिडेंट कि यार अपन बनेंगे अब स्काई डाइवर या कुछ भी हो जाए। और तुम्हें कैसे समझाऊँ कि यार क्या खुशी है मेरे दिल में, बहुत कम चीज़ें हैं इस ज़िंदगी में जो मैं नहीं कर पाया हूँ, एंड आई थॉट स्काई डाइविंग वुड बी टफ फॉर मी, बट मैं बना हूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, हम बने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, एंड दैट्स द रीज़न वाई वी आर किलिंग इट एवरी डे आउट देयर। आप सबका प्यार ही रीज़न है कि मैं अपने आप को इतना खुश कर पाता हूँ और मैं इतना फन कर पाता हूँ, बट वाओ यार अब हम बन चुके हैं स्काई डाइवर। मैं ही बैठ जाता हूँ, ये तो ना GoPro में जब व्लॉग ना करो ना ये कैमरा हाथ में पकड़ो दर्द हो जाती है हाथ में, सही में आई लव GoPro। तो अब कल से हमारा शुरू हो रहा है A-लाइसेंस, और A-लाइसेंस के लिए मुझे करनी है 10 कंसोलिडेटेड जंप्स, बेसिकली 10 और सोलो जंप्स, 5 कोच जंप्स अलग अलग कैटेगरी की,
एक एमरजेंसी जंप जहाँ पे मैं 4,000 फीट से कूदूंगा आउट ऑफ द प्लेन. अभी मैं कूद रहा हूँ 14,000 फीट से. तो जब इमरजेंसी होती है तो 4,000 फीट पे प्लेन से कूदना है और जल्दी से अपना शूट डिप्लॉय करना है. और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मुझे करना है पैकिंग कोर्स. जो हमारा अभी कैनपी है हमारी पैराशूट, उसको हम खुद पैक नहीं करते हैं, हमें पैकर्स पैक करके देते हैं, क्योंकि हमें आता नहीं है. पर इस कोर्स में हमें वो भी करना है. तो कल से अब ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है. अब भाई धड़ाधड़ बस कूदना है. मतलब क्या थ्रिल है मैं तुम्हें क्या बताऊँ. मगर इनसेन लाइफ है, इनसेन समय है. मौसम देखो आप इवोरा का. अभी तक तो इवोरा घूमने का मौका नहीं मिला है, पर अभी मैं अपने अभी पहुँचा हूँ मैं वापस शाम को. और बाय द वे यहाँ पे रात 10 बजे होती है रात के, तो मैं बताना भूल गया. तो मैं लग रहा होगा इतने लाइट क्यों है, क्योंकि अभी बज रहे हैं कुछ 7 और 7 बजे भी यहाँ पे दिन है, बिकॉज सनसेट यहाँ पे होता है 8:30. तो काफ़ी क्रेजी है. पर काफ़ी सारे दोस्त बनाए हैं, आपने देखा होगा अभी तक व्लॉग में कि कितने सारे लोगों से मैं मिला हूँ. मेरे इंस्ट्रक्टर्स, मेरे गाइड, मेरे मेंटर्स और बहुत सारे इंटरनेशनल दोस्त. बट पहली सोलो ट्रिप करके बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. एंड अपराजिता इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, मॉम डैड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, आकाश मल्होत्रा इज नाउ अ सर्टिफाइड स्काई डाइवर. ये शुरुआत है, इसको मैं कहाँ तक लेके जाने वाला हूँ मैं आपको बताऊँगा नहीं. अभी कमिटमेंट नहीं देके पाई पीछे नहीं हटता, पर हिमालय की चोटी से भाई कूदेगा पैराशूट लेके. ये आप सबको मैंने वादा किया है. बेस जंपर तो बन के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. 200 स्कूबा डाइव्स करनी है, धड़ाधड़ करेंगे पर करके रहेंगे. बट या मैन वी आर हेयर नाउ. और कल से यही लाइसेंस स्टार्ट होता है. एंड अब काफ़ी चले, अब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर, मैं कैमरा उठा सकता हूँ. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड आई एम रियली होपिंग कि आप और मैं मिलके कुछ धमाल मचाएंगे. पर थैंक यू सो मच गाइस. आप लोग नहीं हो गया रहा तो आई डोंट थिंक मैं इतना एफर्ट डालूंगा किसी भी चीज़ में. बट आई लव यू ऑल. That's my instructor. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Now I do realize it. Yes. Oh, I just win. Thanks. No. Thank you. Thank you, Paula. Thank you. Thank you. So I now fill my A license form. Wait. That's the best. The best. Thank you very much. The best. Thank you. We jumped together once. Jump six. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Yes, I start A license training now. Yes. More good, jumps. Good. Thank you. My friend, this is your certificate. Okay. You finish your IFF course. Yes. So thank you. Congratulations. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. Oh, this side. Gotta be ready for it now. Yay. All right. Thank you, brother. Thank you so much. Yeah, thank you. You did great. Have a safe scanner. It's gonna be. Now we get my A license and we do. Then you give me again. Yeah. Super. Now I can go like. Good job. Congratulations. Thanks. That's Santosh. He's from Hyderabad. Yes. Yeah. Just for the world to know. Okay. Hindustani bhai do do. Yahan pe. My Instagram is Santosh Achari. Portugal mein hai bhai. Yahin pe kaam kar rahe hain aur full power. Aur by the way ab vlog chalu ho chuka hai to ab hindi mein hum yahan pe phodenge because ab ye training ho gayi hai. To yahan se vlog chalu karenge because ab focus hai content pe.